तुम लोगों की माँ को मौत आए बगैर तो नहीं तो शर्म नहीं आती कमबख्त मारे इतना नहीं होता कि कूड़ा इकट्ठा करके थैली में एक दरवाजे पे रख दे मनहूस मारे ऊपर फेंकते और मेरा तो ऐसा टाइम पता है इनको जैसी मैं गुजरती हूँ चार थैलियां दाए दाने से आती है। तुम किसी दिन शॉर्टकट ही मार लिया करो। अरे काहे का शॉर्टकट मार लिया करो वही एक रास्ता ही सेम रास्ते से क्यों आती हो। अरे तो और कौन से रास्ते से आऊं तेरे घर से आ जाऊं क्या। मेरे घर से तो आना भी नहीं फिर आओगी कैसे। बस रहने दे कमबख्त मारा नहीं तो मेरे मुंह ना लगना बता रहे हो मैं। अरे तू क्या है सारी बातें बता दूंगा। कौन सी बातें बताएगा तू। सारा मोहल्ला सो जाता ना खुदा की कसम लोगों के कपड़े उतार सूखे हुए कपड़े उतार के बेचती है ये और उनकी बकरियां खोल के ले गई औरत नहीं उसको मैं तो उसको बेचाती। ताई, तुझे मौत नहीं आई। ताई, ताया किधर है तेरा सत्य तू मुझे काय का ताई बोलता है कमबख्त मारा ताई देखो तो मेरा मैं इतना ख्याल रख रहा हूँ और ताई आई काय का ख्याल करता है तू मेरा। अब्बा ने सलाम कहा। अब्बा ने सलाम कहा है मेरा भी जवाब दे देना बाप को अपने। इसका मतलब है 5 बजे मिलेगी। तू तो मेरे मुंह ही ना लग तू तो बहुत ही बड़ा कुत्ते का बच्चा है। तुम मैं कह रहा हूँ तुम्हें जवाब नहीं देना था तुम लानत भी ना दो इसका मतलब है तुम सिलसिला रखना चाह रही हो। चल चल चश्मे में पत्थर मारूंगा अजीब सा हो जाएगा एक तरफ से हंसता हुआ। यहाँ कभी ना हूँ अगर मुझे तंदूर में रोटियां लगवानी। चले चल पराठे बना के दे मेरे पराठे खाती हूँ दांत नकली लगवाए मैं। तुम उसके तंदूर में रोटियां लगवाती हो तुम्हारे चूल्हे का क्या हुआ। घर में पकाया करो और ताई तुम बाहर आओगी तो मर छेड़ेंगे। घर में रोटियां पकाओ बावर्ची खाना नहीं आता। भाई तो मुझे क्यों छेड़ेंगे अपनी माँ जैसियों को छेड़ेंगे बेगैरत होंगे। अरे कोई भी मिल जाए टाइम पास करने को सब छेड़ लेते खाला। मेरा सत्यानाश मेरे पे ऐसे नहीं आना उचा कुचा क्या बता रहा हूँ। तेरी जबान का लगाम नहीं है बेगैरत तेरी माँ से शिकायत करूंगी मैं। तेरी माँ से शिकायत काहे की करूंगी तुम कर लेना मैं तुम्हारे बाप से करूंगा। क्या करेगा तू अकेली घूमती रहती है ये। आई तो और किसके साथ घूमू तू चल जाएगा साथ। तुम दीवारों पे शेर क्यों लिखती हो भाई। शम्मा जलती रहे परवाना चला जाएगा ये क्या मसला बताओ ना। ये देखो इसको ये खाना सही बोल रहा है सही बोल रहा है खाला। कल मैंने तुम्हारी बातें सुनी है स्नेकिंग पे ये स्कैनिंग जो होती है ना उसमें बातें सुनी तुम्हारी मैंने। देख रहा कैसी बेगैरती की बात है भाई। नमाजी परहेजी औरत है वो। हाँ नमाज हाँ नमाज से परहेज करती है। मैं नमाज से परहेज करती हूँ तेरे घर में 24 घंटे आए थे करीमा होती है क्या। अरे अब आते दिल में लगी है मेरी जान के ताई 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 आ, ताई होगी तेरी माई। ताई कुआरी हो या बिहाई या तेरा सत्यानाश जाए बिहाई हो या कुआरी हो तू कौन होता है पूछने वाला। देखो बस करो तुमने सारे मोहल्ले के बुड्ढों को ख्वार किया हुआ। ये देख रहे इनकी बातें सुन रहा तू तू तो कुछ ख्याल बुड्ढों का काउंसलर हूँ मैं बोलू। अब वो ये भी ना हर बुड्ढे ने नया हुक्का लिया खुदा की कसम। भाई तो इसमें ले जाकर मैं हुक्के दूर दे गुड़ गुड़ और तुम बीड़ियां क्यों पीती हो। तुम तो हो रहा तो तुम तो बीड़ी पिए ना करो। अब टेंशन में और क्या करूं यही बीड़ियां ही पीऊंगी। तो टेंशन में तो चर्स पियो अच्छी सी बात है खाला। मैंने मशवरे ना दे मुझे अच्छा खाला खाला प्रोवाइड भी कर अगर बोल रहा है तो। चाहिए काम बताऊं। नहीं तू बहुत सारे काम बता देता है कट्टे रहने दे समझा करो बस मौत के कुएं में मोटरसाइकिल वाले के पीछे बैठना। क्या क्या हो गया क्या हो गया पागली है फिर अब्बा को कह दूंगा वो फिर वक्त पे नहीं पहुंचेंगे। अबे ये तो इनका तो फैमिली का मसला लग रहा है कोई। खाला बस एक बात है मैंने आपके लिए रिश्ता ढूंढा। कौन सा रिश्ता ढूंढ लिया। लड़का मैकडोनल्ड में काम करता है। क्या करता है बाहर जाओ ना हवा से हिलता रहता है। अपनी माँ की शादी करवा दे उससे। यार मैंने सोचा ताई का स्टैंडर्ड भी रखो यार। नहीं वो है ना स्टैंडर्ड रख रहे हो। ये बात तो सही है। नहीं स्टैंडर्ड रख रहे हो ताई। हाँ
तुम्हारे नाम से मिलता जुलता, क्या ताकि तुम्हारा नाम भी खराब ना हो। तुम्हारा क्या नाम है? ताई। हाँ? तुम्हारा नाम ऐसा हो शेर बन जाए, ताई शादी के बाद मिसिस वाजपेयी। तेरा सत्यानाश है, मैं मुसलमान, मुझे हिंदू से भी आएगा। ये तो तुम्हारा टैलेंट है, तुम उसे मुसलमान कैसे करोगी? ताई ये बात तो सही है। एक बात है, ताई जैसी नेक औरतें होती है सुबह सुबह उठ के अल्लाह से दुआ करती हैं, अल्लाह मियाँ तेरा लाख लाख शुक्र है मैं आज फिर बच गई। अच्छी बात है ताई। अरे ताई अगर बुरा ना मानो तो अपने छोटे भाई के लिए इसमें से चिड़िया बना लूं। ज्यादा आटा नहीं खर्च करियो, तू बड़ा चीटर है। नहीं नहीं, अबे चिड़िया बनाइए जरा आगे। चिड़िया कौन सी बनानी है पहलवान? उड़ती हुई बैठी हुई, उड़ती हुई के दो पर भी बन जाते हैं, समझा करो। सही है। उड़ती हुई चिड़िया पंजे है, दुम दुम बाबा दुम, म्याओ 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 म्याओ। सही है। चिड़िया और म्याओ 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 म्याओ। चिड़िया और म्याओ। ये बिल्ली खा गई, ये लो ला 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 लो। तेरे बच्चे के लिए वो बना दूं घोड़ा? घोड़ा बना दे। घोड़ा? घोड़े वाला आया बाबू, घोड़े वाला आया। गली गली गाता पीरू, हंसता हंसता था पीरू, आया रे बाबू दे आया रे, ये तुम्हें घोड़े की तुम है। लो भाई, ये कौन सी नस्ल के जानवर बना रहे तू? ये पहला घोड़ा जिसका मुंह ही नहीं है। अब भैया घोड़ा किसी का मुंह नहीं लगता, हाथी बना दूं? बना दे बना दे। ये देख रहे वाचन, वाचन भाभी के लिए दूल्हा बना दूं? अबे काहे को यार, नहीं कोई और चीज बना। पता नहीं बेचारी कैसे गुजारा कर रही हूं। नहीं कोई और चीज बना दे तू तो। कोई और चीज बना, ऐसा दो। जितनी इसकी शादी हुई ना, भाभी इसके साथ बैठी हुई तो औरतें पूछ रही, अरे बहन दुल्हन के आयोडेक्स क्यों लगाई हुई? अबे अबे क्या बना रहे हो? क्या बना रही है? ये स्टूल। हाँ सही है ना? अब ये एक पेड़ा रह गया, खाला से पूछ ले क्या बनाना है इसका। बोलो खाला क्या बनाए इसका? इसकी चुड़ैल बना ले जो तुझे खा ले। तेरा तो बनाने की क्या जरूरत है, तैयार जो है ना करे सत्यानाश। तुम लोगों का कमबख्त मारा, मुझे छेड़ते हो, तुम लोग मेरा दिल दुखाते हो, और तेरे लिए तो मैं इतनी दुआएं करती हूँ। क्या तुझ पे तो मुझे बड़ा ही तरस आता है। कसम खुदा की, हाय हाय, तंदूर पे बैठ के बच्चों की रोजियां कमाता है। तंदूर पे बैठ के बहते हुए अश्कों से कभी तुम भी लिखोगे मेरा नाम मगर मेरे बात। हाय हाय सही बात बताओ है। बताओ क्या ऐसी मुश्किल रोजी कमाता है अपने बच्चों के लिए? मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह इसकी अजियत को खत्म कर दे या इसी को खत्म कर दे। अरे क्या हो गया? सब तेरी वजह से चिरांदे मैं यहाँ आती हूँ, तेरी वजह से। अरे जो इन मनहूसों की बातें मुझे। ए मनहूस मनहूस ना कह रहा, तो और क्या कहूँ? मुझसे मेरे मुंह ना लगना। अरे तू मेरे मुंह ना लगना। मैं बोलूँ बाबा तेरे रख के देता हूँ मैं भी रख के देती हूँ, समझ आई ना? हाँ वो बातें ना करना। कौन सी आली? जो वो ना समझना। क्या पता नहीं क्या? बस बस मैं कहीं तुम्हारी तरफ हूँ। अरे तू क्या मेरी तरफ है? अरे अरे ताई तो आज शेप बना के आई है। हाँ ब्लेड तेरे घर से आई थी ताई को। पता क्या औरतों होती है ना, उनके बेचारे का बहुत सी औरतों की उम्र ज्यादा है ना, दाढ़ी निकलनी शुरू हो जाती है। ताई अगर तुम 5-6 हफ्ते इंतजार करो ना तो किसी छोटे से गांव में जुम्मा पढ़ा सकती हो। तूने मेरा बड़ा दिमाग खराब किया भाई, तेरी वजह से ये सब मेरे पीछे लग। अरे ताई नाराज की हो रही हो, तुम्हारे लिए तो शायर ने क्या खूब कहा है। कुछ नहीं कहा है, करम नजारा जदों दी तस्वीर दा पैंदा है भुलेखा मैनू खुसरे बशीर दा। अबे पराठे कैसे निकाल लिया, क्या हॉकी खेल लिया अंदर? आगे आगे खुदा की कसम, ये मैं आपको पहले बता दूं, बने हुए अंदर रखता है ये, खुदा की कसम। मजबूरी है ना, क्या करें, वो बार बार अभी तंदूर से निकाला ना, ये तो मेरा हाथ ही जल गया। हाँ तो इसने अपने रोटियों का नाम ही ठंडे कुलचे रखा है। सत्यानाश है, तू कल के कुलचे बेचता, कल के। कल के काहे के बे? अब कल के डाल के गरम किया, इसको दे दिए। तो क्या करे, गरम भी नहीं करे अभी, ये तंदूरी नहीं गरम हुआ, एक आदमी इसमें पानी डाल के गया अभी। ये इतने चमड़े जैसा पराठा ताई खाएंगी?
ये क्या कर रहे है भाई तू, बेईमानी कर रहे है मेरे साथ? दांत ही मेरे अब्बा से उधार लिए हुए। अबे तेरे अब्बा से मैंने क्या कुछ लिया हुआ है कमीने? बत्तीसी नहीं ली थी अब्बा की? चल यहाँ से, अपना काम किया कर, हलीम पे बैठ चल। उसके अब्बा से तो सब लोग बत्तीसी ले जाते हैं, एक आदमी उसी ने आया कह रहा देना भाई जरा किसी को चक मारना है। अरे ताई ये पराठे नहीं खाएंगी, ताई ने तो पुरानी खुराक खाई है। हाँ परसों की रोटी खा के आई है। चलो किधर है? मैं ताई हूँ, तेरा बाप तेरी माँ का भाई है। बहुत अच्छा सोचा भाई। मारो नहीं तो तुम लोगों का सत्यानाश, इसीलिए नहीं आती हूँ मैं। अगर ये मजबूरी ना हो ना मुझे पराठे ना लगवाने हो, कभी घर का रुख ना करूँ। अच्छा तुम भी मजबूर होती हो, तुम्हें काहे की मजबूरी? अच्छे खासी हट्टी कट्टी हो, चलती फिरती हो, जभी तो तुम शादी नहीं करती। अरे ओ मेरे मुंह ना लगा कर तू चुंदे। तुम काहे को मुंह, तुम ही लग रही हो अंदर ही लग रहे, ये हीर बन के फिरती रहती हो मोहल्ले में। मुझे सब पता तुम मेरे बहाने से आती हो। बताओ जिसके चक्कर में आती वो खामोश बैठा हुआ है। समझा के भेजा और क्या? हाँ क्या काम था? अरे देखो मोहल्ले का ख्याल रखियो, तू तू ही सबसे ज्यादा समझदार लगता है मुझको। हाँ जी समझ आई ना? जी जी। आजकल यहाँ पे ना गलत गलत काम हो रहे हैं। अच्छा। जेब कतरे घूम रहे हैं। अच्छा। बल्कि जेब कतरे भी नहीं, जेब कतरिया। अच्छा। औरतें जेब काट रही है। अच्छा। मेरी भी दो दफा जेब कट गई है, ध्यान रखियो यहाँ पे कहीं मर जाओ। अबे औरतें जेब काट रही है, खुदा के लिए होशियार रहो यार। कसम से मैं तो पतलूनों में से जेब ही निकलवाने वाला हूँ। और तो जेब काट रही हो क्यों? हाँ तेरी तो जेब ऊपर से कट गई है।